तो कुल मिलाकर अरुण जिस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रख रहे थे, क्योंकि अब नामांकन भरे जाएंगे राहुल गांधी, लेकिन उससे पहले ये रोड शो राहुल गांधी का, यहाँ पर सस्पेंस इस बात को लेकर अभी भी बना हुआ है कि सोनिया गांधी वहाँ पहुंचेंगी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं अमेठी ही वो सीधे पहुंचने वाली है। इधर तस्वीर आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ मौजूद हैं, राहुल गांधी के साथ और प्रियंका गांधी, उनके बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये सवाल जब उनसे पूछा गया कि भाई परिवार के साथ वो पहुंच रहे, तो उन्होंने कहा ये पहली बार नहीं है, हम पिछली बार भी रॉबर्ट वाड्रा को साथ लेकर आए थे, प्रियंका गांधी उनके साथ थी, साथ ही साथ सोनिया गांधी उनके साथ थी। तो ऐसे में परिवार के साथ रोड शो करते हुए राहुल गांधी, अरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, क्योंकि सोनिया गांधी पर सस्पेंस फंसा हुआ है, पहले भी सस्पेंस था कि वो आएंगी या नहीं, अभी स्थिति क्या है? अगर सूत्र आपके कुछ बता रहे हो या कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ अगर बता पा रहे हो कि कब तक सोनिया गांधी पहुंचेंगी रोड शो में या नामांकन के दौरान? देखिए, रोड शो में सोनिया गांधी पहुंचेंगे इस बात की संभावना अब खत्म है, क्योंकि रोड शो शुरू हो चुका है, लगभग 600 मीटर रोड शो हो चुका है और सोनिया गांधी कहीं स्ट्रक पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर आप तस्वीरें देख रही हो तो इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के जो दोनों बच्चे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जो छतों पर महिलाएं और बच्चे हैं उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए उनको हाथ हिला करके उनका जवाब दे रहे हैं। अगर मैं ट्रक की बात करूं तो संजय सिंह जो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी अमिता सिंह, ये सारे लोग मंच पर हैं, प्रमोद तिवारी मंच पर हैं, उनकी बेटी मंच पर है, लेकिन सोनिया गांधी नहीं है। तो मुझे जो सुबह बताया गया था कि सोनिया गांधी भले ही मुंशीगंज गेस्ट हाउस जहां हेलीकॉप्टर लैंड किया था राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा वहां पहुंचे, तो वहां भले न पहुंचे, नामांकन के लिए वो पहुंच सकती हैं। तो नामांकन के लिए भी क्या वो आएंगे कि नहीं, इस बात पर अभी संशय बना हुआ है सोनिया गांधी के आने का। हालांकि कल उनका नामांकन है, 11 तारीख को उनका नामांकन है, तो उसके लिए वो आएंगी ही, लेकिन आज किन्हीं वजहों से अभी तक वो नहीं पहुंच पाई है, थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच ये जो रोड शो है लगभग 1 किलोमीटर का सफर पूरा करने जा रहा है ये, और देखिए रॉबर्ट वाड्रा लोगों से नारा लगाने की अपील कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, इंथुजियाज्म उनका बढ़ा रहे हैं एक तरह से। और रॉबर्ट वाड्रा की ये सक्रियता कई मायनों में खास है, रॉबर्ट वाड्रा ऐसा नहीं है कि अमेठी और रायबरेली के लिए नए हैं प्रियंका गांधी के साथ, और कई बार वो आ चुके हैं यहाँ पर राहुल गांधी खासतौर से जब प्रचार करते हैं। और आपको याद होगा पहली बार जब उन्होंने यहाँ अमेठी और रायबरेली की धरती पर ही आके बोला था कि वो राजनीति में आ सकते हैं, और तब बहुत बवाल मचा था, क्योंकि तब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के बीजेपी ने जिस तरह का हमला किया था उसके बाद कई बार उस तरह के हमले हुए हैं, और ये बातें अब नई नहीं रही हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बीजेपी जो हमला करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बखूबी जानती है कि रॉबर्ट वाड्रा की सियासत में आते ही परिवारवाद के न सिर्फ आरोप लगेंगे एक बार फिर, बल्कि करप्शन को लेकर के भी उनकी लड़ाई कमजोर हो सकती है, और इसीलिए अब तक मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने उनको समझाया हुआ है, अब तक वो सक्रिय राजनीति में आने की बात से इनकार तो नहीं करते लेकिन आते भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि समय का इंतजार वो भी कर रहे हैं, 2019 के चुनाव के जो नतीजे होंगे, और जो मेरी जानकारी है 2022 में प्रियंका गांधी के चेहरे को सामने रख के उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके कांग्रेस जाएगी आगे, यानी उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पिछले 2-3 दशक से खिसकता है लगातार, उसका जनाधार लगातार पार्टी संकट में चली जा रही है, उसको रोकने के लिए प्रियंका गांधी को यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के भेजा गया है। वो पार्टी को न सिर्फ रिवाइव करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी राहुल गांधी ने उनको दी है। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, काफी नजदीक यहाँ पर राहुल गांधी हमारी जो मीडिया की ट्रक उसके ठीक पीछे यहाँ पर है, लोगों का स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। और जो सियासत है यहाँ पर अमेठी और रायबरेली की, ये नेहरू गांधी परिवार का बहुत ही पुराना किला माना जाता है, बड़ा गढ़ माना जाता है, और यही चर्चा लगातार चल रही है कि क्या बीजेपी की मेहनत, क्या स्मृति ईरानी का दांव, क्या प्रधानमंत्री मोदी की इस इलाके में सक्रियता, क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा योजनाओं की बौछार इस इलाके में नेहरू गांधी परिवार का किला भेदने में, उनका किला ध्वस्त करने में कामयाब होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नेहरू गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को इस बात का भरोसा है कि अमेठी और रायबरेली के जो लोग हैं वो उनके साथ हमेशा रहे हैं, और इस समय जब संकट है, एक तरह से कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि 44 सीटों पर 2014 में सिमटने के बाद कांग्रेस के सामने रिवाइवल का संकट है, और ऐसे में अमेठी और रायबरेली की जनता हमेशा की तरह उनका साथ देगी। सुबह जब मैं कलेक्ट्रेट गया था वहाँ की तैयारियों का जायजा लेने, उसके बाद चाय की दुकान पर गया था, कई लोग ऐसे मिले जिनका ये कहना था कि बीजेपी सक्रिय हुई इस इलाके में, निश्चित रूप से चुनौती मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के लोग ज्यादातर जो पहले से उनके वोटर हैं वो टूटते नजर नहीं आ रहे, तो वोटों का अंतर लगातार घट रहा है, ये बात सही है, ये तथ्य भी है और ये आंकड़े भी हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को यहाँ की जनता संसद नहीं भेजेगी जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, ये बड़ा सवाल है। और
जब अगले महीने यहाँ पर 6 तारीख को वोट पड़ने वाला है तब तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी फिलहाल राहुल गांधी अपने इलाके में यानी जहाँ के वो प्रतिनिधि हैं, जहाँ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में अमेठी, वहाँ से नामांकन दाखिल करने के लिए रोड शो से जा रहे हैं कलेक्ट्रेट। और कोशिश उनकी यही होगी कि एक बार फिर अपने लोगों से, जो कहती है कांग्रेस कि परिवार है, तो परिवार के लोगों से एक बार फिर मिलें, वो उनके अंदर उम्मीद जगाएं, उनसे वादा करें, उनसे बात करें, और उसी नज़रिए से उसी योजना और रणनीति के तहत राहुल गांधी यहां पर शो में यहां लगातार चल रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको जो दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी के हैं नेता उनकी तस्वीरें दिखा रहा, ये देखिए महिलाएँ भी हैं यहाँ पर जो प्रियंका गांधी से बात करना चाहती है। और आपने देखा होगा कि रोड शो में किस तरह से प्रियंका गांधी महिलाओं से घुल मिल जाती है, उनके साथ सेल्फी लेती है, उनके मोबाइल लेके एक तरह से लोगों से जुड़ने की जो एक नई विधा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नजरिए से, राहुल गांधी ने भी हाल के दिनों में पिछले कुछ सालों से शुरू किया है कि लोगों के बीच वो जाते हैं, उनसे सेल्फी लेते हैं, बात करते हैं, उनके ऊपर एक तरह से काफी सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, सुरक्षा घेरा। तो कुल मिलाकर नामांकन के लिए राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में जाएंगे, नामांकन से पहले का ये रोड शो का उनका कार्यक्रम जिसमें बकायदा पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और ये पहली दफा नहीं है, पिछली बार भी हमने देखा राहुल गांधी किस तरीके से पूरे परिवार के साथ, क्योंकि उनकी दलील यही रहती है कि अमेठी उनका परिवार है, इसलिए वो यहाँ परिवार के साथ ही हमेशा पहुंचते हैं। तो ऐसे में ये रोड शो शुरू हो चुका है, सोनिया गांधी के आने पर थोड़ा सस्पेंस, क्योंकि रोड शो पे तो फिलहाल वो शामिल नहीं हुई हैं। अब यही जानकारी कि वो नामांकन के दौरान उनसे वहां पर मिलेंगी और साथ में पूरे परिवार के साथ राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे।